समय की मर्यादा है, इसलिए कुछ बातों को मैं बिंदुवार केवल रखता हूँ। इससे अपने भ्रष्टाचार के विषय के बारे में चर्चा बहुत चली, कुछ तो स्थानीय स्तर पर रिश्वतखोरी का मामला है और काम करने के एवज में पैसा लेने का मामला है, ठेके लेने का मामला है, फिर सड़क बनाने में रिश्वतखोरी और फिर सड़क कम स्तर का बनना, ऐसे बहुत से विषय हैं जो स्थानिक कहे जा सकते हैं। इस पर लड़ाई ज्यादा से ज्यादा स्थानिक होना होगा, इसलिए मैंने वो बात कहा, और इन मुद्दों के बारे में परिणामकारी लड़ाई लड़ी जाए, और ये परिणामकारी लड़ाई स्थानिक आधार पर थोड़ा ऊपर के दबाव से अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में सफल हो सकती है। उसके लिए वहां वहां पर निगरानी करने वाले और वहां उपस्थित रहकर लड़ने वाले इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। दूसरा है कट्स एंड कमीशंस डील्स, एक और इसका पहलू है जो इसकी तुलना में मात्रात्मक रीति से बड़ा है, और इसमें जिला प्रशासन और बाकी के लोग ज्यादा हिस्सा लेते हैं। अरे टोल टैक्स से शुरू होगा, पुलिस महकमा, कलेक्टेरिएट, जमीन रजिस्ट्री, सब बातें उसमें आती हैं। उसके बाद एक बड़ा मामला आता है, वो कर चोरी का है, टैक्स इवेजन, रिटर्न्स कैसे भी, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, ऐसे सारे टैक्स इवेजन्स हैं। उस विषय के बारे में कई तो गलत कराधान की व्यवस्था भी उसके लिए जिम्मेदार है, ना चाहते हुए भी आदमी को उसमें लिप्त होना पड़ता है, भ्रष्टाचार में चाहता नहीं। तो कर चोरी कई बार तो शासन व्यवस्था के प्रति समाज के अविश्वास का लक्षण है। कर चोरी राज्य व्यवस्था ठीक नहीं है ये सनद करा रहा है, क्योंकि उसको ये भरोसा भी नहीं है कि हम जो टैक्स जिस बात के लिए देंगे वो उसी बात के लिए लगेगा क्या। नहीं तो पहले से टैक्स दे रहा है जिसे सड़क बनना है, फिर अलग से टैक्स के टोल की क्या जरूरत पड़ गई। कई देशों में तो जो नई सड़क बनेगी बड़ी उस पर टोल टैक्स लगेगा, पुरानी सड़क भी यथावत चालू रहेगी, आपको अगर उस पर जाना है। लेकिन यहां भारत में क्या हुआ, बनी हुई सड़क को ही चौड़ीकरण करके फिर टोल टैक्स, ये कुछ व्यवस्थात्मक बातें हैं। उसके बाद आते हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार, और उसमें हवाला से भेजा जाना पैसा, और विदेशों में ही साठगांठ, विदेशों में ही डील और विदेशों में ही जमा, तो 72 टैक्स हेवन्स में जमा अवैध धन, वो एक और लड़ाई का बड़ा है। और ये कहा जा सकता है ना कि लगभग 72% गैर वाजिब धन वहीं पर है पूरा, और 28% बाकी के भ्रष्टाचारों का हिस्सा है। और ये अगर बात है तो हवाला और विदेशों में जमा अवैध धन जो होता है वो टैक्स चोरी की श्रेणी में नहीं लिया जाना चाहिए। सामान्य टैक्स चोरी तो राज्य व्यवस्था के प्रति अविश्वास का लक्षण, लेकिन हवाला और विदेशों में जमा अवैध धन राष्ट्र के बारे में ही अविश्वास है, इसलिए वो टैक्स चोरी इवेशन वगैरह ना होकर, जैसे भी हसन अली का हो रहा था, इसमें मनी लॉन्डरिंग, फेमा और जरूरत पड़े तो राष्ट्रद्रोह तक, इस धारा में उन लोगों को लेना चाहिए। ये भ्रष्टाचार के संदर्भ अगर हम लेख लें। दूसरा विषय आता है, जो क्रिमिनल लॉ है वो करप्शन को डील करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, प्रूव करो, तुम प्रूव कर सके नहीं तो हम छूट गए, ये तो क्रिमिनल लॉ में है। अपराध आपने किया, प्रूव आप नहीं कर सके, सबको मालूम है गांव में मर्डर किया था, गवाही के लिए कोई गया नहीं, छूटा हुआ घूम रहा है, क्रिमिनल लॉ। वही क्रिमिनल लॉ
भ्रष्टाचार के विषय में भी लागू करने की कोशिश हो रही है, जो बहुत बड़ा अपराध है, गलत है। भ्रष्टाचार नैतिक विषय है, इसलिए आरोप जिस पर लगा जिम्मेदारी उस पर होनी चाहिए कि वो अपने को क्लियर करे। जैसे डॉक्टर स्वामी ने ही आरोप लगाया चिदंबरम के बारे में, आरोप लगाया श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में, उनकी बहनों को पैसा मिला, आरोप लगाया। तो ये वो जांच के लिए प्रस्तुत हो, नैतिक दृष्टि से ताकत तब बढ़ेगी, और जो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी पर, उस पर ये जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा कि वो अपने को जांच के लिए प्रस्तुत करे। जांच के लिए प्रस्तुत न करना ही अपराध की स्वीकारोक्ति माना जाए, ये एक एथिकल विषय है। इसमें क्रिमिनल लॉ केवल लागू नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ये लड़ाई निर्गुण लड़ने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे वो इंजीनियर है, वो बीडीओ है, एक सगुण हुआ ना लड़ाई। उसी तरह से ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार के बारे में भी सगुण लड़ाई लड़ना पड़ेगा। फाइट अगेंस्ट करप्शन विल नॉट गेट द एज अनलेस वी आर एबल टू नेम द करप्ट। किनके खिलाफ लड़ाई है? इसलिए भ्रष्ट अपराधियों के नाम लेकर आरोप लगाने में संकोच नहीं होना चाहिए।